हेलो स्टूडेंट बाबा। अच्छा हाँ पा हूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट करो। हलो बुधो पे जमीन की सरफेस से जैसे का भी पार्टिकल या कान का बॉडी रखल आ तो उनकी एनर्जी जी होंगी वह होंगी पी ई इज इक्वल टू एम जी एच जीरो ही बॉडी जो है सो जमीन की लेवल से रखल आ जिते हाइट जीरो पोटेंशियल जीरो। अच्छा इन बॉडी के पान थोड़ो मथे था खी वनूँ थोड़ी देर पे मतलब अवे को पढ़ो तो कें भी पर्टिकुलर हाइट से जैसे खी वो तो हाँ इनमें एकड़ी एनर्जी स्टोर थिए थी उन एनर्जी के पान चौदह पोटेंशियल माना पोटेंशियल एनर्जी माना एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजिशन माना पोजिशन के मथे वनो तो एनर्जी पोटेंशियल स्टोर थी गाल खत्म। अज वरी पान बी गाल क्यों जैसे चौदह एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल ए आम पोटेंशियल में फर्क यो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल तमाम वे डिस्टेंस से आम जो पोटेंशियल आ उन मतलब यो है तो आम एक सिंपल हाइट थे पहली गाल मैं एक जनरल क्यों था पर एब्सोल्यूट असल में इस्तेमाल थी इन पा गल हाँ इन थोड़ा समझना जरूरी है। मिसाल तौर एक हंध का बे हंध ती तन चाहो था अव ए का बी वन चाहो था ए है सरफेस ऑफ अर्थ बी चाहे बी एक पोजिशन आ जी किथे आ तमाम घणो परे आ। अच्छा केतरे पंध ते आ इलाही परे आ ना ही जो डिस्टेंस आ यो तमाम घणो परे आ मतलब बे नज़र में ये चो तो ही जो डिस्टेंस आर आहे यो इन्फिनिटी जो डिस्टेंस आ या बे नज़र में चो तो जेका सेकंड वारी पोजिशन आ या पॉइंट आ वो इन्फिनिटी दिया बाबा मुझा अवां हिते बीठा आयो ना अवां जेकॾहिं हेस ताईं वञण चाहियो था तो तमाम वॾो वर्क डन करणो पवंदो। हाँ वो वर्कडन जो तक करणो पवे तो अना ना करणो पवे तो उन वर्कडन जो नालो अस रखूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर जहाँ मथे वो तो वर्कडन कौ जो कंदा वो प्रैक्टिकली वर्कडन थे पो वो एम जी एच पोटेंशियल बाकी जो अना बाकी खपे तो अगत वन यो एब्सोल्यूट आ। मिसाल तौर तो हि हैदराबाद कॉमन एग्जाम्पल कोचिंग में भी दीनों हि हैदराबाद आ हि कराची अब जैसे कराची वन चाहो था ना वो ती मर्जी आ पर जैसे वन चाहो था तो खीसे में 500 रुपया होजन 500 रुपीज हों तो वही सोता माना जो 500 आको तक खपे तो कराची पुजन के लिए इो एब्सोल्यूट पर मिसाल तौर तुम 100 रुपया भरिया तो जाहिर है जितना रुपया भरिया ओतरो पंध कह मिसाल तौर तक नूरियाबाद में लाए छोड़ो उन्होंने तुम एतरा पैसा रहना तो तमें वर्गन भी ओतो पोजिशन भी ओतरी बटबी ना। अच्छा नूरियाबाद का अगत वन चाहो तो बया पैसा देना पवंदा तो ऐसो जी अवं इतना का वो था ए का बी ताई वद में वद वर्कडन खपे तो या ए का बी ताई वद में वद किरायो लगंदो पर जी तवा कराची जे वेजो वनो पिया तो बाकी किरायो अजा घट खपे ये जो को बाकी किरायो खपे तो दैट इज एब्सोल्यूट जो प्रैक्टिकल वर्कडन थो इनके पान चौदह सिंपल पोटेंशियल एम जी एच। सो प्लीज हैव अ डिफरेंस इन बिटवीन एम जी एच पोटेंशियल कड़ी एनर्जी आनर्जी जी प्रैक्टिकली बॉडी में स्टोर थी वे। अच्छा एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहे जो एक हंध का बे हंध ती वन घुर्बल आ रिक्वायर्ड आ दैट इज वॉट यू से सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट माना सरफेस ऑफ अर्थ का इन्फिनिटी ती वन एडो वो जो वर्कडन करो पवे तो इन एडे वे वर्कडन जो नालो रखूँ पा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो डेफिनेशन बाबा ढी सिंपल कड़ी द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी किथा का केस ताई फ्रॉम अर्थ सरफेस जमीन जी सरफेस का टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ताई हेडो वडो जो तक वर्क डन करो पवंदो इनके एब्सोल्यूट चबो। अच्छा इनजो मतलब यो थो तो जडे तवां सरफेस ऑफ अर्थ ते हुंदा आयो तो पो आम जो प्रैक्टिकल पोटेंशियल आ तो जीरो हाइट आए को पर इहा गाल ध्यान में रखो तो सरफेस ते हुंदो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ते मैक्सिमम हुंदी आ। छो सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम छो बाबा इतना तमाम बड़ी मेहनत करनी पवे तक यू नीड टू मूव एट द लॉन्गर डिस्टेंस सो इन टर्न यू नीड टू गो थ्रू द लार्जर वर्क अवां के वध में वध वर्कडन की घुर्बल होंगी उन तरीके से ना तो पो मैक्सिमम एब्सोल्यूट ये होंगे मैथमेटिकली इन जो फॉर्मूला है मां डायरेक्ट लिखा तो कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई
नेगेटिव जी निशानी छो छाकान द यो अगेंस्ट द फील्ड वार वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड माने नेगेटिव वर्क डन आई सिंपली पान इन तरीके सा लिखूंगा हलो हाँ कुछ जनरल गाल इन जो थियन खपन थियन थी हाँ थोड़ा इनते भी ध्यान दियो बाबा मुझा अवा बॉडी के जगह इन्फिनिटी तीन खड़ी वनो था तो पैं पान थोड़ी वी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स खपे या न खपे बिल्कुल मिसाल तौर मैं चवान तो जैसे अव इतने बीठा आयो तो ते फोर्स खपे तो एफ वन थोड़ो मथे वनो हेस ती तो इतने डेफिनेटली तक फोर्स सागो खपे या को बो खपे को बो खपे छो जी तुम परे वो था तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हों पढ़ो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इतने तक फोर्स एफ वन खपे इतने तक फोर्स एफ टू खपे साई भला गाल बदो जर इं वाकई तो आर वन वे हंध से अलग खपे आर टू वे हंध से अलग खपे आर थ्री वे हंध से तक अलग खपे आर फोर वे हंध से अलग खपे तो असो फोर्स को लगाइंदी यस यू कैन से तदें पान क्या कह इन डिस्टेंस के एन नंबर ऑफ पार्ट्स में विरिंदा तुम पुछो वे तुम इन टोटल डिस्टेंस के जैसे डेरिवेशन में कहो था तो एन नंबर ऑफ पार्ट में छो था विरायो हर पोजिशन से अवान के डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्स खपे तो अस कें बिन पॉइंट के विच में केतरो फोर्स जो असो अप्लाई कर चाहिंदी यह गाल भी ध्यान में रखो द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट बॉडी या टू मूव बॉडी बिटवीन टू सक्सेसिव बिन लगातार पोजिशन के विच में तक केतरो फोर्स खपे तो सादो आ पुट अवान एवरेज कढ़ो कढ़ो बिन फोर्सिस जो एवरेज कढ़ो एफ वन केतरो हों कैपिटल जी एम वन अर्था एम टू ही मास खुद अपॉन आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर एफ टू घणो कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर टू स्क्वायर बिन्ही जो एवरेज वैल्यू जो हों बाबा यो तक खबर ए यो ही रीजन जो पान इन टोटल डिस्टेंस के जैसे डेरिवेशन में वनू था तो एन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में विरायू था अच्छा पो ये खबर आरोप डेरिवेशन टाइप बुधाया समझा इं तुम लिखो कह लो केस तीन एन तीन एन का पैरी वाली पोजिशन कड़ी होंगी एन माइनस वन होंगी अच्छा पो कबो वन टू टू वर्गन मालूम कर कड़े फोर्स जो फार्मूलो हणबो बिन्हीं की एवरेज जो कढ़ो वरी टू टू थ्री वर्क डन कढ़ो एवरेज फोर्स थ्री टू फोर वर्क डन कढ़ो एवरेज फोर्स आखिर में सभी जो वर्क डन तुम पान में एड कर ए सम ऑफ ऑल द वर्क डन जो हों इट वुड बी टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टोटल वर्क डन यो थो ए वो टोटल वर्क डन जो तेड़े हंध का इन्फिनिटी तीन पुजन में खपे तो पो इन एडे वे टोटल वर्क डन जो नालो रखू था पा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो एब्सोल्यूट जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कें भी हंध से पुजन के लिए हि कॉन्सेप्ट केर इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल कन था मिसाल तौर कें मू के चंड से वनो आ न तो जमीन से वेठा हाँ चंड से वन चाहन तो पैरिया यो सोचींदा तो असाजे सैटेलाइट में एतरी एनर्जी हुए जो घट में घट असा पुजी सकूँ तो ऐसो एतरी एनर्जी हुए एत वर्क असेंगे करण पवो जो पुजी सकूँ तो ये माइंड उ इस्तेमाल कर ठीक है पर प्रैक्टिकल जो एनर्जी होंगी वो एम जी एच डू रिमेंबर ठीक है सो इहा सादी गाल बुट सभी वर्गन के एड कंदी ताकि फार्मूला ही मिलो तदें पान चौंदा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होंगी सरफेस से इं हलो इफ बॉडी असेंड जेकॾहिं बॉडी मथे वञे जी तव्हां मथे वञो त उन सां थींदो छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज थींदी ज़ाहिर आहे हाइट कवर कंदा वञो पिया जो पर अवां रेफरेंस पोजिशन के वेझो वो पा ना जैसे वेझो वो पे तो जो बाकी तक वर्क डन करो पवो उ घट करो पव श्योरली तो चबो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज थी एंदी खड़ी उ अचूंदा उनते एट एनी हाइट एच कें भी पर्टिकुलर हाइट से आम पोटेंशियल एनर्जी केतरी होंगी एम जी एच होंगी छो एम जी एच इज द हाइट अच्छा कें भी पर्टिकुलर हाइट से एब्सोल्यूट केतरी होंगी बाबा तो इन जनरल फार्मूलो कैपिटल जी एम ई एम सागो मथे वो हेठ वो सेम वध में वध डिस्टेंस मटियो पुट वेन एवर यू आर एट द सरफेस सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर वॉज ऑल अबाउट आर ई बट वेन यू आर एट सर्टेन हाइट तो डिस्टेंस वध्यो आ तो सिंपली पान गाल कंदासी इट वुड बी एच प्लस आर ई कंदासी
मतलब एट एनी हाइट पानी ही करे सकूं था। हाँ खबर आ फार्मूला के अस जनरल फार्मूला चूं था, बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इनके वधीक सादो करे सके थो। जडे तवा इनके वधीक सिंप्लीफाई कंदो त इहा एक्सप्रेशन कुछ ही दी बीहे, मां डायरेक्ट लिखा तो वरी एम जी एम ई एम सागियो अपॉन आर ई सागियो वन माइनस एच अपॉन आर ई। माना ही फार्मूलो ही सादो करे सके तो, पर वरी भी फर्क आ। छा मतलब ही फार्मूला इस्तेमाल किथे कबो? जनरली एट एनी हाइट, ही जनरल फार्मूलो आ। डबल रेडियस मथे वनू, ट्रिपल रेडियस मथे वनू, दह दफा रेडियस मथे वनू, एब्सोल्यूट घणी थींदी हिन फार्मूला सां गॾो, ठीक है, इन फार्मूला सा। अच्छा ही फार्मूला स्पेशली इस्तेमाल कंदासीं फॉर हाइट, उन हाइट ते जिते रेडियस खां इलाही घट आ। इलाही घट वारो जेको फार्मूला है, या तव्हां 5 मीटर मथे वियाओ तो बाकी केतिरो खपे तो पोइ इन फार्मूला सा। पर जेकॾहिं अवां हिकड़ी जनरल ॻाल्हि कयो था इलाही सारा किलोमीटर मथे वञो तो पोइ जनरल त जनरल मुंहिंजा बेटा, ठीक है। हलो पहिरीं ॻाल्हि आ डेरिवेशन मूं कोन गई, पर तव्हांखे हिन में शयूं कुझु ॿुधायूं। हाणे पुटु हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि, जॾहिं तव्हां इन्फिनिटी ते ख़ैर सां पुॼी चुका आहियो, इन्फिनिटी, हाणे तव्हां ॿुधायो त बाक़ी केतिरो वर्क डन करिणो आहे। हाणे बाक़ी त ज़ीरो न बाबा, तव्हां पुॼी चुका आहियो, कराची पुॼियो ऐं तव्हां चयो साईं मूंखे कराची वञिणो आहे। अड़े यार पुॼी चुका आहियो, एग्ज़ैक्टली इट रिफ्लेक्ट हेयर के वेन एवर यू रीच टू द इन्फिनिटी ऑलरेडी, त पोइ इन जो मतिलबु इहो थियो त बाक़ी तव्हांखे वर्क डन करिणो ई कोन्हे को, माना एब्सोल्यूट ज़ीरो। अच्छा उते आम जेका पोटेंशियल एनर्जी आहे इहा ज़ीरो, सर उहो आम ज़ीरो जो थी, छाकाणि त इन्फिनिटी असां चऊं था उन दायरे खे जिते जी जो वैल्यू ज़ीरो हुजे, या इन्फिनिटी असां उन दायरे खे चऊं था जिते जी जो वैल्यू नेग्लिजिबल हुजे, छाकाणि त पाण पढ़ियो आहे चैप्टर नंबर 6 में मथे वञण सां जी जो वैल्यू घटि थींदो आहे। सर पोइ हे हेॾी वॾी एनर्जी, हेॾो वॾो वर्क डन कयो काॾे वियो? इहो वर्क डन कंहिं कंहिं ॿी एनर्जी में स्टोर थी चुको हूंदो, पर अवां में हाणे एब्सोल्यूट कोन्हे को, छाकाणि त अवां अञा अॻिते नथा वञणु चाहियो, यू आर ऑलरेडी इन्फिनिटी। हेॾो वॾो वर्क डन कंहिं ॿी एनर्जी में स्टोर थी चुको हूंदो। सो एब्सोल्यूट जो कॉन्सेप्ट पाण ईअं इस्तेमालु कयूं था, किथे रेफरेंस पोज़ीशन जे विच में इस्तेमालु कयूं था। अच्छा ही कॉन्सेप्ट इंटर में बि तव्हां पढ़ंदो किथे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में पढ़ंदो, त चार्ज जॾहिं आउट ऑफ द फील्ड टू नियर द चार्ज थिए त बि एब्सोल्यूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल हूंदो आहे उते बि। साॻी तरीक़े सां बाबा मुंहिंजा इहा ॻाल्हि हिते पाण कयूं था, ठीकु आहे। हाणे सरफेस ते छा हूंदो आहे? ज़ीरो। ऐं इहो ई रीज़न आहे जो पाण चऊं था जीअं त सरफेस ते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़ीरो, एब्सोल्यूट न, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, तंहिंजे करे ज़मीन जो नालो असां ज़ीरो पोटेंशियल सरफेस चवंदा, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ठीकु आहे। सो इहा ॾाढी सादी डेफिनेशन ऐं सादो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट। हाणे हलो त पाण इन जो हिकिड़ो एम सी क्यूज़ कयूं ऐं पोइ अॻिते हलूं, ईअं सही आहे। सो ॾिसूं था इन ॻाल्हि खे, ॾिसूं था। ओके द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द हाइट ऑफ आर ई अपॉन फाइव फ्रॉम अर्थ सरफेस इज डैश, ठीक आहे। सो चंद ऑप्शन्स आहिनि एम जी आर ई अपॉन फाइव, एम जी आर ई अपॉन सिक्स, एम जी आर ई अपॉन थ्री, एम जी आर ई अपॉन टू। पुट मुंहिंजा सफ़ा साधो आहे, चए थो आर ई अपॉन फाइव जेतिरो पाण मथे वञूं त उते जी जो वैल्यू केतिरो, पतो पोटेंशियल एनर्जी केतिरी हूंदी। हलो हाणे मां साधो करे सम्झायां तव्हांखे, ॻाल्हि ॿुधो, अव्हां हिते हुयो न पहिरियां, पोज़ीशन ए ते हुयो, वञणु केॾां चाहियो था? हिकिड़ी हाइट ते। केतिरी हाइट ते वञणु चाहियो था? आर ई अपॉन फाइव ते। उते छा पुछे थो तव्हांखां?
उते पुछे थो त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केतरी हुंदी MGH वाली सोने सही की गयो हां दसो भला ही करे सके तो या ना के मिसाल तौर जदे तवा हते होयो त हितां जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कडो केतरी हुई माइनस जी MEM अपॉन आर ई हुई है ना हाँ बाबा माइनस जी MEM अपॉन आर ई हुई बिल्कुल हुई अच्छा जडे तवा हिते वया हो त एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हिते घट हुंदी या वधी हुंदी घट हुंदी अच्छा की लिखी सके थी वा माइनस जी MEM अपॉन H प्लस आर ई पण की लिखना हूं H प्लस आर ई ई लिखना है सो हिते मिसाल तौर हुई 10 जूल एकड़ो मिसाल आ ठीक आ अच्छा हिते बाकी बची 3 जूल बची त 10 मा 3 जो मतलब यो थयो त एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लॉस घणी दी 7 जूल जेका लॉस थी उआ गेन छा में थी MGH में गेन थी त पण जो मतलब आ हनन ते असन के MGH मिलियो ई करे सके तो त ई कबो आ मतलब ही आम हाइट थोड़ा ही वडी हाइट आ ना तो असा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करे वठना सी हलो हाँ हलो तो पान के थोड़ा ध्यान दें उनके समझो इन सिंप्लीफिकेशन के पैर कर पूसूंगा माइनस जी MEM अपॉन H प्लस आर ई एच घणो आ केतरी हाइट ते मथे वञो पिया आर ई अपॉन 5 ते मथे वञो पिया प्लस आर ई यो साॻियो हाँ माइनस जी MEM साॻियो LCM कयो LCM थी पुट 5 आर ई सॉरी खाली 5 थी ही आर ई प्लस साॻियो ऐं हे 5 हेॾां थींदो 8 त 5 वारी थियो हाँ हे जो 5 आ वेंदो मथे तो माइनस 5 कैपिटल जी MEM अपॉन 6 आर ई माना ही उआ एनर्जी आहे ही उआ एब्सोल्यूट आहे जेका मथे आ हाने लॉस केतरी थी उआ कटो लॉस में की कटे वडे मा नडो वडे माइनस के चकन दी वडो वडी आ पो जेका लॉस थी उआ छा में थी गेन थी हुंदी छा में गेन थी हुंदी उन बे में सो इ थी दो ठीक आ सो हाने दसुंदा अगते हलो पुट लॉस इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी केतरो थियो इहो कढो इज इक्वल टू की कटजे सरफेस वारे वडे वैल्यू मां माइनस कयो एट द हाइट जेको नंढो वैल्यू आ माइनस कयो हाणे माइनस जी MEM अपॉन आर ई सरफेस वारो माइनस वडे हाइट वारो मथे वारो वैल्यू घणो आ माइनस कैपिटल जी MEM माइनस 5 कैपिटल जी है ना MEM अपॉन 6 आर ई हाँ इनके सिंप्लीफाई करो पुट मजा इनके सादो कर LCM कढ़ो LCM थी 6 आर ई हे 6 इन सा कोने ना तो इन सा मल्टीप्लाई थो तो माइनस 6 कैपिटल जी MEM माइनस माइनस थो प्लस इतने 6 पे तो सागो थो 5 कैपिटल जी MEM हलो हाँ इनके सिंप्लीफाई 5 प्लस या माइनस या 6 माना माइनस जो 1 दियो ना माना माइनस जो कैपिटल जी MEM अपॉन 6 आर ई हाँ जेका पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वारी लॉस थी हुंदी उहा पोटेंशियल एनर्जी MGH में गेन थी हुंदी ना तो ॾिसो हिकड़ी एनर्जी में लॉस थियो ॿी में गेन थियो बाबा मिसाल तौर कराची ताईं वञण जे लाइ मिसाल तौर हीअ आहे कराची अॻिते आहे तव्हांखे 500 रुपया खपनि थोरो अॻिते विया हो त 500 मां घटिया बाकी 400 बचनि पिया तो मतलब लॉस घणो थियो 100 जो ये जो को लॉस थियो गेन छा में थियो अवां जो को पंध कयो अवां जो को वर्क डन कयो अवां जी जेका एनर्जी स्टोर थी प्रैक्टिकली उनके पाण एब्सोल्यूट चऊं पर एब्सोल्यूट मां माइनस करे वठी सकूंगा सो करेक्ट आंसर थियण खपे माइनस कैपिटल जी MEM अपॉन 6 आर ई अ ॾिसो अहिड़े क़िस्म जो ऑप्शन आहे किथे बिल्कुलु बि कोन्हे को त पोइ साईं इनखे अञा कीअं कद करे सघिजे थो वधीक करे सघिजे थो न ॾिसो हिकिड़ो मिंट हिकिड़ो कमु था कयूं माइनस जेको सिंपल M आहे उनखे ॿाहिरि कढो ठीक है बाकी जेका शय आ कैपिटल जी MEM अच्छा अपॉन 6 के बाहर कढ़ो अपॉन आर ई ॾिसो मां थोरो तरतीब ॾेई करे ही लिखी सघां थो या न हीअं लिखी सघूं था न पुट मुंहिंजा हाणे तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां आर ई सां मल्टीप्लाई बि कयो आर ई सां डिवाइड बि कयो इनखे चइबो रेशनलाइज अच्छा जेकॾहिं ई कयूं त किथे लिखो बीहे थो थोरो ध्यानु ॾियो माइनस
एम स्मॉल अपॉन सिक्स आ गयो हाँ कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई इंटू आर ई स्क्वायर वो बाकी जो बो आर ई मल्टीप्लिकेशन वो भले पे हो जे। अच्छा हाँ इनके पान जे दिसूँ तो माइनस एम अपॉन सिक्स आ गयो भला मुख्य बुधायो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर सजो जो सजो छाजे बराबर हुंदो आ जी स्मॉल तो ही रहो जी इंटू आर ई यो सागे रखो तो इनजो मतलब यो थियो माइनस में एम सागो जी सागो आर ई सागो अपॉन सिक्स पर जीअं त यो वर्क डन अगेंस्ट आ पर जेको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थे थी या पोटेंशियल पान कड़े तरीके से वठी सकूं था दसो हेडी वडी जेका ता पोटेंशियल वरती आ या हेडी वडी पान पोटेंशियल एनर्जी का वरती आ या स्टोर छा में थी एमजीएच में एमजीएच वाली एनर्जी पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव पॉजिटिव तो इन ही जे मैग्नीट्यूड जो वैल्यू स्टोर थे होंगे सो करेक्ट आंसर तुझो थो ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन बी करेक्ट सर हेडो वो लेंदी छो आ बाबा ही एक दफो एनटीएस जो सवाल आयल वाए नंबर वन ए नंबर बी गाल तो कॉन्सेप्ट माना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में अस ग्रेविटेशनल की वी सकूंगा जितो एब्सोल्यूट लॉस थी ओतरो हो गेन थी मथे वजन से एब्सोल्यूट घटजे थी घटजे थी माना लॉस न तो एम जी एच वे थी गेन गेन थी सिंपली सो ये पा कर सकूंगा हलो हाँ अनु गाल तो हि मथे जो सूर इस्तेमाल केर कंदा साइंटिस्ट कंदा केर जे मू स्पेस में वन चाहन था उ कन था तो हाँ थोड़ो गाल के समझ मिसाल तौर मुझे बाबा एकड़ी ढी सादी गाल बुदो सभी जणा ही आहे अर्थ वा जमीन ठीक है पान वन्यूं था इन्फिनिटी ताई खबर इन्फिनिटी वाली जगह ही है मिसाल तो इन्फिनिटी वाली पोजिशन जो नालो कड़ो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फिनिटी चबू माना जमीन जी जिते फील्ड खत्म थिए थी जमीन जी जिते फील्ड ना है उन जगह के इन्फिनिटी चबू हलो हाँ मुझी एकड़ी गाल बुदो आऊं इतने बीठो आया मुखे इन्फिनिटी ताई वन के ला 500 जूल खपे मिसाल तौर वर्क घणो वर्क 500 मार्कर के मु छा कयो 2 जूल सा मथे उछलायो तो जाहिर है मार्कर इन्फिनिटी के थोड़े वो छो मार्कर के जितनी मां एनर्जी दींदुस 2 जूल की तो ओतरी हाइट से या ओतरी पोटेंशियल से वो हलो अढ़ा उछला जोर से उछला तो अना मथे जाम वो अच्छा कड़ी एनर्जी दियो पे मथे उछलने में पे यो मुझे बुधा था पर ये तुझे ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वर्क आ वर्क है पर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कड़ी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना कें शे के जैसे उछलबो तो कड़ी एनर्जी दिबी है काइनेटिक एनर्जी हलो 500 जूल की काइनेटिक एनर्जी जो वर्क जैसे मैं क्या मार्कर से तो आई कैन मूव दिस मार्कर एट इन्फिनिटी इन अदर वर्ड्स मैं जैसे 500 जूल से उछलाया हिं हिं कर उछलाया तो आई कैन मूव दिस मार्कर टू इन्फिनिटी इन अदर वर्ड्स अवां इन बॉडी के फील्ड में बाहर कटे सको था या न बिल्कुल तो ऐसो ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर साइंटिस्ट जैसे वो स्पेस में का शे मोकिन था तो पैर उनकी खोपड़ी में यो हों तो यार एडी वी काइनेटिक एनर्जी अस दी यो सैटेलाइट फील्ड में बाहर निकरे एडी वी अस एनर्जी दूँ तो जी सैटेलाइट जो है सो इन्फिनिटी से पुजे इन्फिनिटी माना का रिलेटिव पोजिशन आ सो हि कॉन्सेप्ट केर इस्तेमाल कह एस्ट्रोनॉट्स हाँ नंढी गाल बुदो थोड़ो ध्यान दे पुट इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी एट इन्फिनिटी जैसे इन्फिनिटी तीन पुजन चाहो था इन्फिनिटी माना आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो काइनेटिक एनर्जी जी खपंदी उछलने वाली एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी चो भले वर्क था पर असल में यह काइनेटिक एनर्जी आ नीडेड मस्ट बी इक्वल उक्वल हो खे टू एब्सोल्यूट मतलब वही बुधा तो बाबा जमीन की सरफेस का मथे वन के लिए मुझे 500 जूल खपन खपन माना जमीन की सरफेस से एब्सोल्यूट 500 न तो 500 जूल की काइनेटिक एनर्जी दिया बोटा ई ठीक है सो हेयर वी गो काइनेटिक एनर्जी नीडेड मस्ट बी इक्वल टू एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी आ 1/2 mv²
एब्सोल्यूटा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई पर मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव ओतरो मैग्नीट्यूड खपे भले छो इन तरीके से एम वो मोकल है वन अपॉन टू सामू खी हलो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सामू आयो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई तो वी इज इक्वल टू रेडिकल में टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई माना इन वेलोसिटी से उछलो तो आसानी से इन्फिनिटी ते पुजाए सको था पर ये फार्मूला वधीक अजा सिंपलीफाई करे सके तो कि सिंपलीफाई क्यों थोड़ा ध्यान दियो इट कैन बी सिंपलीफाइड इन दिस वे के टू साग्यो कैपिटल जी एम ई साग्यो आर ई साग्यो हाँ मां पेंजे तरीके से आर ई मल्टीप्लाई क्या तो आर ई डिवाइड पो क्या इन सा नई एकड़ी शै मिले थी तेजे करे कड़ी नई शै कैपिटल जी एम ई आर ई इंटू आर ई थो आर ई स्क्वायर बाकी हेडा वो आर ई साग्यो भले पो आई जैसे तुम लिखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टू साग्यो बाबा मुझा कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर छे बराबर जी बाकी आर ई यो साग्यो हे जेका तांके वेलोसिटी मिली आ ना इहा वेलोसिटी जेका जमीन सा बाहर कढ़ने जेला बॉडी के खपे थी ना इन ही वेलोसिटी जो नालो असा रखूं था एस्केप वेलोसिटी एस्केप माना बाहर निकटे जरन इन्फिनिटी माना वो फील्ड जेका जमीन का बाहर आए पोजीशन या आउट ऑफ फील्ड तो इनके पाने के लिए सिंपली गाल दा इट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ माना जमीन जी सतह का जे कने ता मथे ता उछलन चाहे तो यो देनी पौंदी अच्छा वैल्यू केतरो हुंदो जी जो वैल्यू 9.8 रखो रेडियस ऑफ अर्थ जो वैल्यू रखो 6.38 इनटू 10 पावर 6 सिंपलीफाई कयो खोड़ो लगायो कोन को जवाब इंदो या ना आई जे को ताके जवाब मिलदो ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मिलदो या 11200 मीटर पर सेकंड ए इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ खबर वेलोसिटी में हुई मास को ना मार्कर के 11200 सा ही खणी उछलाया तो मार्कर इंफिनिटी ती पुजी विंदो सर अदीब के तोप में विहारे तोप के सिद्धो मथे करे अची करे जेकरे फायर कयूं 11200 सा सर अदीब विल रीच एट इंफिनिटी कोमल भले बैठी हो जाए संभालींदा सही पर सर अदीब विल रीच एट इंफिनिटी डू रिमेंबर ये ना सर अदीब बुधे कोन दो सो बहरहाल बाबा ही एकड़ो सादो कॉन्सेप्ट है मुझे बच्चा तो इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी एट इन्फिनिटी समवन नीड टू एस्केप द बॉडी विथ वेलोसिटी 11200 मीटर पर सेकेंड इफ यू डू सो यू कैन एस्केप द बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो फॉर्मुलो हाँ इन में ही गाल जरूर साबित थी जन जनरल तो एस्केप वेलोसिटी यह गाल ध्यान में रखो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रेडिकल ऑफ जी सा मन हाँ मुख्य बुधायो वधिक एस्केप वेलोसिटी छाजी हुंदी अर्थवा जी चंड जी चंड ते जी जो वैल्यू घटा एस्केप वेलोसिटी घटा ये ना जनरल ही अच्छा एकड़ी बी वेलोसिटी हुंदी आ ऑर्बिटल वेलोसिटी थोरो यो हन सा रिलेटेड आ है त मा ते ताके बुधाय तो छन्या थोरो ध्यान दियो ऑर्बिटल वेलोसिटी जे हिसाब सा ऑर्बिटल वेलोसिटी में छा थी नुंदा यो दिसुंदा अच्छा एकड़ी बी वेलोसिटी हुंदी आ केड़ी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिटल मोशन माना छा एड़ी मोशन जे में बॉडी के बेज जो तरीके में जमीन जी ऑर्बिटल मोशन माना छा सिज जो तरीके अराउंड सन या केतरी आ डेरिवेशन मा ताके कोन तो करे दिया बाकी बताया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हुंदी आ रेडिकल में जी आर ई माना यो एकड़ी रिलेशन असल में ठाणी आ यार भला एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल के बीच में रिलेशन कड़ो है यो ही बुधायो मुखे तिकड़ी हुंदी एस्केप वेलोसिटी जेका के बॉडी जेला हो जे ऑर्बिटल माने जमीन जी पेंजी ऑर्बिट जे हिसाब सा आई 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 बिनी के जेकने रिलेट कयो वने हनन के त पोए ही रिलेशन एकड़ी ठहे थी वा केड़ी त एस्केप वेलोसिटी वडिया या ऑर्बिटल एस्केप दिस वन इज इक्वल टू रेडिकल 2 इनटू ऑर्बिटल या एस्केप वेलोसिटी जो रेशियो ऑर्बिटल वेलोसिटी सा जेको हुंदो आ यो रेडिकल 2 आ हिम जे सके तो त एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कांसेप्ट केर इस्तेमाल कंदा आइन साइंटिस्ट छो ही मथे जो सुर पुट उनन जो इन्फिनिटी दे हु विंदा ना असा तो वद कराची विंदा थी ना सो गाल मड़े रिजेंबल करे थी ना सो ही एकड़ो सादो कांसेप्ट थियो पोटेंशियल जो हाने पोटेंशियल एनर्जी हर हिसाब सा कंप्लीट थी बाकी रहो इन चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जेको पान डिस्कस कंदासी
पोटेंशियल एनर्जी में जो आम ग्रेविटेशनल या एब्सोल्यूट या स्केप जो कड़ो कॉन्सेप्ट की आयो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन सो कंप्लीट थो।